नमस्ते देवी सुजनो, तो आपका स्वागत है दी गॉड ऑफ में, जहाँ पर सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में, जो कि 2 दिसंबर 2021 को ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस बार इन्होंने 20 जनवरी 2023 को, मतलब कि आज, इन्होंने इसको हिंदी डब में फिर से रिलीज किया है। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो मैंने देखा नहीं था, क्योंकि हिंदी डब में थी नहीं और यहाँ पे शोज भी अवेलेबल नहीं थे। फिर जाके आज इन्होंने इसको हिंदी डब में रिलीज किया, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। और आज 20 जनवरी भी थी, पता नहीं लोग कौन सा 20 जनवरी को सिनेमा डे मना रहे हैं। सारी टिकट 100 रुपए की थी, तो मैंने सोचा चलो सोने पे सुहागा, देखते हैं। और अब मैंने देख ली, तो आइए जानते हैं कि कैसी थी ये मूवी, मुझे कैसी लगी और आपको कैसी लग सकती है। तो यार, शिव का नाम लेके इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो जंगल के बीचों बीच में एक माइनिंग फैक्ट्री होती है, जो ऊपर ऊपर से जो बोलती है वो कॉपर खोद रहे हैं, लेकिन असलियत में वो यूरेनियम खोद रहे होते हैं। जो लोग नहीं जानते कि यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम दरअसल एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और सबसे बड़ा यूज इसका यूज एटॉमिक बॉम्ब में भी किया जाता है। तो स्टोरी पे वापस आते हैं कि वो लोग यूरेनियम की माइनिंग कर रहे होते हैं, और वहां पे किसी को पता ना चल जाए कि वो लोग वहां पे करते क्या है, तो वो लोग यूरेनियम का जो वेस्ट होता है ना, उसको जमीन में ही गाड़ देते हैं, जिससे होता क्या कि वहां पे आसपास रहने वाले गांव वाले और जितने भी लोग होते हैं ना, वो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मतलब हर जगह बहुत ही ज्यादा बीमारियां फैलने लगती है, लोग खून की उल्टियां करना चालू करते हैं, लोग मरना चालू करते हैं, और जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए और पैदा होते ही बीमार होने लग जाते हैं। और इन सब के पीछे होता है वरदा, जो कि एक गुंडा होता है और इंसान के रूप में शैतान, और साथ में इस वरदा की गुरुजी, मतलब कि गुरुजी, अब सब उसे गुरुजी बोले तो मेरे को भी नाम ध्यान नहीं है, इसलिए गुरुजी। और फिर एंट्री होती है इस फिल्म के हीरो की, यानी कि कृष्णा मुरली की, जो कि वहां आसपास के गांव का मालिक होता है, या फिर कह सकते हो एक तरह से बड़ा मशहूर होता है। और जब उनको पता चलता है कि वरदा माइनिंग में कॉपर की जगह यूरेनियम निकाल है, तो वो सीधा उसके माइनिंग में घुस के उसको धमकी दे देते हैं कि बंद कर दो वरना गांड में गोली मार दूंगा। लेकिन वरदा कहां मानने वाला था, अगर मान लेता तो मूवी ना खत्म हो जाती। बात तो सही है। तो वो गुरुजी को बताता है, गुरुजी अपना दिमाग लगाते हैं, गुरुजी मुरली कृष्णा को अपने आड़े में लेके पेड़ा खिला देते हैं, मतलब पुलिस केस में फंसा देते हैं। और फिर एंट्री होती है दूसरे हीरो की, जो दिखता था बिल्कुल मुरली कृष्णा जैसा है, पर मुरली कृष्णा है नहीं, ये है अखंडा, खुद को कहता है भगवान शिव का रूप, जिससे मौत भी डरती है, ऐसा मूवी में बताया गया है। अच्छा, तो अब होगी टक्कर। एक तरफ है अखंडा, जिसके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है, और दूसरी तरफ है गुरुजी, जो कि काले जादू करता है और बहुत ही कुत्ता कमीना किस्म का आदमी है। लेकिन एक सवाल है कि आखिर मुरली कृष्णा और अखंडा एक जैसे क्यों दिखते हैं, आखिर उनके बीच में क्या रिश्ता है, और क्या अखंडा उस गुरुजी को हरा पाएगा, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और बात करें इस मूवी के रिव्यू के बारे में, टोटली एक साउथ इंडियन मूवी, मतलब कि हाँ वहीं की है, लेकिन इसमें जो एक्शन एक्टिंग और पंचेस लाइन यूज करी गई वो टोटली साउथ इंडियन है, बस हिंदी में डब कर दिया गया इसको। मैं कहूंगा ना, ये मूवी आपको दिल खोल के देखनी चाहिए, दिमाग नहीं, वरना दिमाग खोलेंगे ना तो इसमें गलतियां आप निकाल ही लेंगे। बाकी मूवी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, बस आप हिंदी डब है तो देखने जा सकते हो, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पे उतना खरी नहीं उतरेगी। लेकिन बॉलीवुड वाले जो अभी फिल्में दे रहे हैं ना, उन सबसे तो अच्छी ही है। और इस फिल्म में एक्शन सीन्स तो भरे पड़े हैं, मतलब कि हर एक सीन में आपको एक्शन मिल जाएगा, और एक्शन सीन भी छोटे मोटे नहीं, 5-10 मिनट लंबे। मैं सोच रहा था यार जल्दी खत्म करो, कितने बंदे बचे पीछे यार, जल्दी जल्दी मारो, पर भैया एक्शन चलता चला जा रहा है, आदमी और आते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आदमी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पैदा, अरे भगवान छोड़ो। बाकी मूवी ठीक है, फैमिली के साथ भी देख सकते हो, और इसमें आपको हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानने को भी मिलेगा। तो बस इस वीडियो को यही खत्म करने के बाद आ चुका, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए नया कॉन्टेंट ढूंढने, तो चलिए नमस्ते।